बख्शी फतेह की सांझ पाइए। कोई भी रसना वांझी ना रवे। एक बारी गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो तुहाडे जोश अगे नेत्रहीनां दा जोश कुछ भी नहीं है, साडी गिणती कुछ भी नहीं है, पर पिछले जिस दिन तो भी तुहाडा संघर्ष चलदा सी पंजाब दे विच, उत्थे भी बाबा सूबा सिंह और साडी नेत्रहीन जथेबंदियां ने अपने तौर दे उत्ते जिथे तुसी बैरीअर रोक के बैठे सी उत्थे भी अपने वल्लों जिन्ने जोगे सीगे असी हाजरी लगवाई है। सो अज भी असी अपना फर्ज समझदे होए पंजाब दे नेत्रहीनां दा एक संकेतक जत्था 51 नेत्रहीनां दा जत्था लेके तुहाडे विच इत्थे पहुंचे हैं। सो सिर्फ ये दसण दे लई कि नेत्रहीन दिल्ली का राह लभदे लभदे इत्थे पहुंच गए ने। सो जिहड़े भी दोस्त दुनिया भर विच इस टाइम मैनूं सुन रहे हो देख रहे हो पंजाब तो हरियाणे तो जां होर स्टेटां तो, जद नेत्रहीन इत्थे पहुंच गए ने सानू परमात्मा ने दो दो अखां दित्तियां ने, सानू लत्तां पैर सब कुछ सलामत दिता है, ते असी क्यों नहीं पहुंच सकते। सो अपने घरां दे विच सनेहे ला दिओ, घर का एक एक जी जरूर इस संघर्ष का हिस्सा बन के जाए, चाहे एक एक मिनट लई बन के जाए, क्योंकि संघर्ष ना तो यह किसान आगू अपने लिए लड़ रहे ने ना यह किसान अपने लिए लड़ रहे ने, यह सारा सिस्टम साडी मानवता दे लई इह लड़ रहा है। सो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया सो मैं यही बेनती करूंगा कि जिन्ना साडा पंजाबी मीडिया है जिहड़ा इहनू कवर कर रहा है, सो हुण पिछले दिनों तो जिदा कादियां साहब दे नाल मेरी रात भी गल होई सी, अपने राजेवाल साहब उहनां दे नाल डल्लेवाल साहब उहनां नाल हुंदी रहिंदी है कि जिहड़ा आई टी विंग साडा सैल बणिया किसानां दा इहदा वध तों वध प्रचार करो, और उहनां जिहड़े भाड़े दे आई टी सैल दे विच बैठे ने उहनां नूं टक्कर देण दे लई साडा किसानी आई टी विंग बिल्कुल कुछ थोड़े जिहे समें दे विच इस मुकाम ते पहुंच चुके हैं। सो तुसीं सारे वधाई दे पात्र हो, और इहनां पोस्टां नूं वध तों वध शेयर करिया करो, और इन्हां गल्लां नूं वध तों वध अगे पहुंचाया करो, और जिन्नियां भी अफवाहां अगर तुहानूं सुणन नूं मिलदियां ने उहनां ते बिल्कुल गौर ना करिया करो। किसान आगू अज उमर दे उस मकाम ते पहुंचे ने जिथे असीं इहनां नूं बैठा के घरां दे विच इहनां नूं चिट्टे कुर्ते पजामे पा के इहनां नूं राज भोगण दा समां देणा सी, पर अज भी असीं असीं 90-90 साल दीआं उमरां तां भी इह संघर्ष दे विच बैठे ने। सो मैं सिजदा करदा इहनां किसान आगूआं नूं और खास तौर ते तुहानूं नौजवानां नूं कि तुसी जाबते दे विच रह के और पूरे संयम दे नाल इस जुल्म दा जबर दा टाकरा कीता है। एक बार अपने लिए दो तीन मैं नारे लाऊंगा, उस तो बाद मैं अपनी वाणी नूं विराम दऊंगा। किसान एकता जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद, किसान कोल एकता जिंदाबाद, नेत्रहीन किसान एकता जिंदाबाद, नेत्रहीन किसान एकता जिंदाबाद। सो हर रोज तुम मैनू भारतीय समय अनुसार रेडियो चैनल परदेसी ते 7:30 बजे सुनते हो, और मेरा होर कोई मुद्दा नहीं होंदा, रोज हमेशा तुहाडी किसानी दी गल करदे हैं। और जिन्हें भी नौजवान तुम बैठे हो अपने फोन के रेडियो चैनल परदेसी सुन सकते हो, तुहाडे इन्हां आगुआं नूं जो फैसले तुहाडे हुंदे ने उहनां नूं तुहाडे तक लैके आईदा। सो सीधी गल तुहाडे आगुआं दे नाल तुहाडी करवाई दी है। सो जिन्हें जोगे हैगे आ अपने वल्लों सेवा निभा रहे हैं, और अदारा चैनल परदेसी वल्लों भी मैं सारे किसान वीरां दा धन्नवाद करदा जिहड़ा कि परोमन तुसीं अपना कन इत्थे जाबते दे विच रह के संघर्ष लड़ रहे हो, और अमेरिका दे विच शिकागो तो जिथों रेडियो चैनल परदेसी साडा चलदा साडे दर्शन बसराओ जी सरवण टवाणा भाजी उन्हां वल्लों भी दास नूं बेनती की गई सी कि साडे वल्लों भी फतेह बुला के आयो, और अदारा चैनल परदेसी तुहाडे इस घोल दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ा। सो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया समें दे विच रहिंदा होया अपनी बाणी नूं इत्थे समाप्त करदा, और भारत सरकार नूं बेनती करदा कि ज्यादा सबर ना इन्हां दा परखो, किसानां नूं अपने काम करन दिओ। सो ये अपनी जाके फसलां सांभण ते तुसीं अपने कानून सांभ के उहनां नूं रद्द कर दिओ, इन्नियां बेनतियां प्रवान करिओ, कोई अलफाज वध घट कहा गया होवे उहदी माफ़ी चाहुंदा। सो फतेह दी जांच पाउंदा होया अपना स्थान ग्रहण करदा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।